फिरेंगी जे फरार हो गया। क्या लग रहा तो गाइस अभी भाई आ चुके दुकान पे, ठीक है, एंड भाई की दुकान पे आए हैं, ठीक है, भाई थे कटवाते हर बार बाल, ठीक है, तो अब करवा रहे भाई बालों को छोटा। एंड काफी लोगों को कमेंट आए थे कि भाई बाल छोटे करा लो, ठीक है, तो इसलिए बाल छोटे करा रहे हैं। एंड गर्मी इतनी पड़ रही है ना बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल की, तो भाई बाल छोटे कराने पड़ रहे हैं। ज्यादा छोटे नहीं कराएंगे भाई, देखते हैं कितने छोटे हो सकते हैं, करवाते हैं। चलो भाई हो जाओ स्टार्ट। चुटकी जो भीम ने बजाई, छोटा भीम थैनोस से नाराज था, पूछे क्यों इन्फिनिटी वॉर में थैनोस ने चुटकी बजा दी। असल में देखिए बाल कटवाते हंसते ना है, मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस, थोड़ा हुसन दा अपना संभाल सोणियो, हमें कातल हाते हो बचाल सोणियो, ये एटीट्यूड जेड़ा तुसी चक्की विरदे लगदा है बड़ा यो कमाल सोणियो, तो गाइस देख सकते हो भाई अपने भाई का न्यू लुक से कैसा लग रहा है, सही बता मजाक सट, मतलब मेरे को तो सही लग रहा है, मतलब लंबे बाल पता है बहुत ज्यादा वैसे हो जाते हैं, क्या कहते हो ना, लाइक जैसे कि गर्मियों में घमोरी ऐसा कोई इशू नहीं था, घमोरी पता मैंने मैं बता रहा हूँ, बेसिकली मैंने क्यों कटवाए थे भाई, क्योंकि पता है गो मतलब मोटो ब्लॉक करता हूँ मैं, ठीक है, और मोटो ब्लॉक करता हूँ भाई, पहले तो अंधेरा हो गया, लाइट यहाँ पे है नहीं, तो पहले लाइट में पहुंचता उसके बाद बात करता हूँ। ओके सो गाइस देखो रोशनी आ गई, मैं करता हूँ मोटो ब्लॉक, ठीक है, एंड मोटो ब्लॉक मतलब हेलमेट लगा रखना पड़ता है, और भाई लंबे वाले में मतलब इतनी दिक्कत होती थी बहुत, मतलब जहाँ हेलमेट उतारा इतना पसीना क्या बोलूँ, बस क्या बताऊँ, इसलिए बाल कटवा लिया। एंड गाइस यहाँ पे देखो, देख रहे हो ये यही आते हैं हमारे घर पे, तीन ये तीन बहन देखो, येरी येरी और येरी देखो। The next morning. ये देखो गाइस कौन आया, देख रहे हो कहाँ बैठी है बाहर, एंड अभी ताला लग रहा है, ताला खोलते हैं, अंदर लेते हैं, देखना किस तरीके से आई अंदर। क्या हुआ, क्या हो गया, तो भाई अभी उठाऊ सो के, मैं सो गया था भाई, वो पिल्ली आई थी ना भाई, उसको खाना खिलाया था, सुबह सुबह आ गई थी वो, उसको फिर खाना खिलाया, एंड फिर भाई मैं सो गया, क्योंकि भाई रात में अपन गए थे मूर्थल, एंड भाई वहां से आते कम से कम 3 बज गए थे, ठीक है, तो पूरी नींद नहीं हुई थी भाई, इसलिए सो रहा था। एंड मूर्थल वाला ब्लॉग है वो भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, आ जाएगा एक आध दिन में, आगे पीछे हो सकता है, पता नहीं जो भी होगा, पर आ जाएगा जरूर, ठीक है। एंड अभी का सीन ऐसा भाई, अभी फोन आया था रवि भैया का, मैं सो रहा था और फोन आया रवि भैया का, जो बाइक वाले भैया अपनी बाइक वाइक ठीक करते हैं, रवि भैया ने फोन अपन को इसलिए करा क्योंकि भाई एनएस में पता है पीछे जो होती है ना, मतलब क्या कहते हैं उसको, ब्रेक पैंडल क्या कहते हैं यार, मैं दिखाता हूँ, रुको देखो ये दिखाता हूँ, अबे इसे देखो, इसे छोड़ो पहले, इसे दिखाओ पहले, इसे देखो, इसे मैं खाना खिला दिया मैंने सुबह, उसे छोड़ के आ गया था वहीं पीछे गली में, और दोबारा आके बैठ गई भाई, हमेशा यहीं रहती है, हमेशा यहीं बैठ जाती है आगे, अब गेट खोलूँ देखो कैसे अंदर आएगी, और जबकि इसे खाना खिला दिया, देखना अंदर कैसे आएगी, ये देखो, तो यहाँ चेक करो भाई क्या चीज होती है, ये देख रहे हो, ये डिब्बी होती है भाई, इसमें ऑयल होता है ब्रेक का, ठीक है, देखना कैसे कर रही है, इसमें ऑयल होता है, तो वो रबड़ नहीं है, तो उस ऑयल से होकर जब भी बाइक चल रही है ना कहीं, मतलब गड्ढे वड्ढे आ रहे हैं, तो वो ऑयल यहाँ से निकल रहा है, और निकल के देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देख सकते हो भाई, जैसे देख रहे हो ये ऑयल है सारा, तो ऑयल इसमें भाई कम पड़ जा रहा है, एंड ब्रेक में दिक्कत आ रही है फिर, ठीक है, ब्रेक लग नहीं रहे, तो यही जो रबड़ है भाई वही रबड़ के लिए भैया ने फोन करा मेरे को भी, है ना, मैं सो रहा था भाई, देख लो यहाँ पे देखने वाली चीज है, रवि भाई ने मतलब देख लो छोटी सी चीज है वो रबड़, मैंने उनको बोला था कि भाई भैया मतलब ये रबड़ है, मतलब है नहीं इसमें, और लीक कर रहा है इसमें ऑयल, मतलब लीक कर रहा, तो क्या करूं, पिन्नी भी नहीं लगा दूं क्या, क्योंकि लीक हो रहा था ऑयल,
तो भैया कह रहे मैं ढूंढ कर रखूंगा, जैसे मिलती है मैं तुम्हें फोन कर दूंगा, ठीक है। भैया की दुकान है भाई बाइक की, है ना, स्पोर्ट बाइक ज्यादातर वहाँ पे ठीक होती है, बुलेट वगैरह एंड ये जो नेगेटिव बाइक होती है अपनी तुम्हारी, मतलब बड़ी बड़ी बाइक ठीक होती है वहाँ पे। तो भैया कह रहे जैसे अगर मुझे मिलेगी तो मैं लगा दूंगा। तो भैया का भी फोन आया कि मतलब कह रहे वो तुम्हारी जो रबड़ है वो मुझे मिल गई, आ जाओ लगवा लो। अभी चलते हैं भाई दुकान पे एंड लगवाते हैं, जो लगवाना है क्या बस तुरंत लग जाएगी, ढक्कन खुलेगा ऊपर से और रबड़ लगेगी, ढक्कन टाइट कर दो बस, ठीक है। तो चलते हैं दुकान पे एंड लगवाते हैं भाई साहब जो है क्या कहते हैं वो रबड़ थी। तो भाई मौसम चेक करो भाई, क्या सेक्सी मौसम हो रहा है, मतलब खतरनाक मौसम। अगर ऐसा मौसम होना भाई तो मोटो ब्लॉग करने रोज निकल जाओ रोज। बढ़िया मैं जो भी गर्मी इतनी हो रही है भाई, आज तो खैर है नहीं। तो आ चुके हैं भाई रवि की दुकान पे, क्या खाएंगे भैया? ना नहीं भैया, कौन सी है ये? हैं? कौन सी है ये? कौन सी भाई? कौन से तुम बताओ? हैं? फिर भी देख के बताओ, देखो तो थोड़ा। तुम्हें कौन सी लग रही है? आप व्लॉगिंग करते हो ना? हाँ तुम्हें, है ना? हाँ हाँ हाँ। तुम्हें कौन सी लग रही है? मुझे तो ड्यूक जैसी लग रही है। ड्यूक नहीं है फिर, एंटी कह रहे थे कौन सी? मैं तो स्कूटी पे मजा था। क्या बोला तूने? मैं तो स्कूटी पे मजा था। इमोशनल डैमेज। नहीं एनएस है, एनएस। मुझे वैसे पता नहीं। पल्सर की, पल्सर। भैया का फोन आया था मेरे पे, रबड़ होगी किसी इसकी पीछे की, इसकी जो होती है ना पीछे ढक्कन की। हाँ लगा दिया, लगा देना भाई। वीडियो शूट होती है, गोप्रो वीडियो शूट हो रही है। चलो भाई निकलते हैं भाई, रबड़ तो लग चुकी है। रवि भैया तो मिले नहीं, उनकी दुकान पे जो काम करते हैं वो है। चैनल का नाम भाई ये रहा अभी के ब्लॉग। वो एक्चुअली पता बात क्या है भाई, मैं बता रहा हूँ इसकी आवाज़ है ना, तो हमारी वीडियो पे कैसी आती है कैसी नहीं, मतलब सच में रियल में बहन से खतरनाक लगती है भाई। सही बता रहा हूँ, अच्छे खासे लोग पलट के देखने लगते हैं कौन सी बाइक है। उन्हें ऐसा लगता है कि भाई कोई हैवी बाइक आ रही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हैवी। उसकी आवाज़ भाई पता नहीं इतनी सेक्सी क्यों है, मुझे कुछ नहीं पता। और सच बता रहा हूँ भाई, मतलब मैंने कोई भी एग्जॉस्ट सिस्टम नहीं लगा रखा इसमें भाई, नॉर्मल आवाज़ है जो उसकी है भाई। उसमें क्या है कि उसका साइलेंसर है ना, और जो वो होता है क्या कहते हैं इंजन से जो भाई पा रहा है, और जो साइलेंसर है उसके बीच में क्लैंप होती है, वो क्लैंप मैंने फ्री कर रखी है, मतलब हटा रखी है, तो आवाज़ ऐसी है। और अगर सपोज करो अगर मैंने इसमें एग्जॉस्ट लगवा दिया वैन जो भाई, ये तोते फेल कर देगी फिर। सीरियसली बता रहा हूँ, भाई ब्रेक ऑयल के डिब्बे में भाई रबड़ तो लगवा ली एंड आ चुके हैं घर पे। एंड अब सोच रहे हैं अपन क्या करते हैं कि बाइक धो लेते हैं, क्योंकि भाई बाइक हो रही है बहुत ज़्यादा गंदी एंड मैं बाइक भाई बाहर नहीं धुलवाता, ठीक है। ऐसी बात नहीं पैसे की बात है, पैसा बहुत, मतलब जो बाइक खुद धोने में जो खुशी मिलती है ना भाई, वो बहुत तगड़ी खुशी होती है, मतलब खुद धो आराम से बिल्कुल प्यार से भाई फील आता है सीरियसली। कुड़ी जड़ी दस दस तू मम्मी पुछदी है रोज तेरे बारे।
तो गाइस बाइक तो भाई धोती है, बिल्कुल मस्त चमक रही है, ऐसी लग रही है कि बिल्कुल अभी शोरूम से निकाल कर आया हूँ। तो बस यार आज वीडियो में इतना ही, आई होप तो आप सभी को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो क्या भाई, कल ही मिलेंगे क्योंकि वीडियो आप अपन रोड डाल रहे हैं, तो कल ही मिलते हैं। तो जब तक अपने ख्याल रखिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंडिंग लग गो।